नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। राजगढ़ जिले में शराब बिक्री का नया मामला आया सामने, शासन के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले में गांव-गांव शराब बिक्री जोरों पर चल रही है, जिनसे ग्रामीणों को शराब की इतनी लत लग चुकी है कि शराब पीने वाले से घर परिवार के लोग तो परेशान है, उसके साथ साथ मोहल्ले पड़ोस के लोग भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। इधर बात की जाए शराब की दुकानों की, तो राजगढ़ जिले में परमिशन की दुकानों के साथ साथ हर गांव में किराना की दुकान में तो किसी गांव में चाय दुकान में भी देसी एवं अंग्रेजी शराब आसानी से मिल रही है। और बात की जाए शासन के नियम की, तो किसी दुकान में नियम नहीं देखने को मिलेगा। इधर दुकानों पर शराब की प्रिंट से अधिक मूल्य पर खुलेआम शराब बेच रहे हैं और दुकान पर न रेट लिस्ट लगाए और ना ही किसी को बिल दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति बिल और शराब की प्रिंट रेट के विषय में बात करते हैं तो उसे शराब दुकान में बैठे कर्मचारी गाली गलौज कर भगा देते हैं। ऐसा ही मामले राजगढ़ जिले ब्यावरा तहसील के ग्राम बेलास निवासी ब्रजमोहन शिवहरे ने आबकारी अधिकारी और जिला प्रशासन से शिकायत की है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई है। मांगे इनकी, हम इनसे जाने की क्या मामला है इनका और क्यों शराब दुकान संचालक से पीड़ित है। क्या नाम बैठा आपका? ब्रजमोहन शिवहरे, पिता मांगेलाल शिवहरे, बेलास का रहने वाला हूँ मैं। दारू ठेकेदारों से मैं क्या, पूरे राजगढ़ जिला की पब्लिक परेशान है। किसी भी दुकान पे दारू लेने चले जाओ, प्रिंट रेट से 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया ओवर रेट लेते हैं। इसका मेरे पास प्रूफ है, अगर कोई अधिकारी प्रूफ मांगता है तो मेरे पास वीडियो है इसका। 26 जनवरी दिन हमने दारू ली तो दुकान बंद के बैठ के सामने दारू बेच रहे हैं लोग, फिर भी कम से कम 20 रुपए ओवर रेट है उस पर भाई। अगर दुकान पे जाके ये कह दें बिल, तो इतनी बदतमीज बोले कि मैं माइक पे बोल नहीं सकता हूँ आपके सामने, इतनी बदतमीज बोलते हैं। मुझे क्या, आप कहो तो मैं वीडियो है मेरे पास, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, पुलिस वाला इनके यहाँ पानी भरते हैं, ये कह रहे हैं पुलिस वाला हमारे यहाँ पानी भरते हैं, तू काय में। तो मेरा आपसे निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है, मैं ये दो तो राजगढ़ दरखास्त दे चुका हूँ भाई साहब, ये दो दरखास्त मैं आबकारी के डीओ साहब होते हैं उनको दे चुका हूँ, ये ब्यावरा में एसडीएम मैडम साहब को मैं दो दरखास्त इनको दे सकता हूँ। यहाँ लुआनी जी है कोई आबकारी विभाग में, उनके पास मैं दो बार एप्लीकेशन लेके गया, उनका कहना क्या है कि तू शिकायतें कर मैं कागज की पूर्ति करूंगा। समझ जा तुझे क्या चाहिए मैंने साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरे जिला में ग्राम पंचायतों में हर एक ग्राम पंचायत में इनने अवैध दुकान डाल रखी भाई साहब, इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि मैं क्या बताऊं आपको। जिसके बाद में इनके सेल्समैन उन्होंने मुझे फोन पे मारने की धमकी भी दी है कि ब्यावरा आजा मैं बताऊंगा तू तेरी औकात से बाहर काम कर रहा है। हालांकि मैं, मुझे याद है भाई साहब ये मारेंगे पक्का, मुझे एक्सीडेंट करवा दे या किसी के साथ हमला करवा दे, फिर भी मैं मर भी जाऊंगा ना भाई साहब जब ये शिकायतें बंद होगी। और मेरी प्रशासन सुन नहीं रहा है, मैं सभी का हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार बंद करें। क्या क्या समस्या है शराब दुकानों में, जैसे मान लो आपने शिकायत करी, क्या क्या मांग करी शिकायत में? मैंने मांग करी श्रीमान ग्राम पंचायत में अवैध दुकानें जो खुल रही है इनने खोल रखी है, ग्राम पंचायत में कि सिटी में, मेरे पास वीडियो है हर सिटी में जहाँ भी लाइसेंस दुकानें हैं 4 किलोमीटर दूर इनने अपनी दुकान खुलवा दी, छोटी गुंटी खुलवा दी। आप मेरे से कहोगे तो मैं ग्राम पंचायत राजगढ़ जिला के जितने गांव हैं ब्यावरा तहसील नरसिंहगढ़ तहसील 50 गांव का वीडियो मेरे पास, हर गांव में दुकानें इनने खुलवा रखी, हर मोहल्ला परेशान है, लोग पीपी के अंडरसन गालियां बक रहे हैं, ये परेशानी है। और मुझे समझाने वाले समझा भी रहे हैं और धमकी देने वाले धमकी भी दे रहे हैं। और क्या मांगे जिस प्रकार से प्रिंट रेट का मामला आया? बिल्कुल मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए श्रीमान। प्रिंट रेट का क्या मामला? प्रिंट रेट का अगर जैसे क्वार्टर पे लिखा रहे लाल के पे 90 रुपया, तो ये दिन धाड़े में वीडियो बताऊंगा आपको, गद्दीदार के लिए लेना हो तो लेने निकल ले, 100 में मिलेगा, तो मनमानी। प्रिंट रेट से अधिक दे रहे हैं? हाँ अधिक। बोतल पे 100 रुपए, रम का क्वार्टर पे 20 रुपए, लाल का पे 10 रुपए। अगर इनसे बिल मांग लेते हैं भाई साहब तो ये गल्ला में से पैसे निकाल के फेंक के क्वार्टर और दो जाने निकाल के मारने लगते हैं। ऐसे बहुत सी जगह करा है इनने, अगर मैं दुकान पे कुछ कहूँ तो ये तो तुरंत मारते हैं, और पुलिस फोन लगाते हैं दुकान पे गदर कर रही तो बंद कर देगी। जैसे प्रिंट रेट है जो है, इसके बाद लिस्ट भी नहीं है बाहर है, रेट लिस्ट भी नहीं है, ये शासन ने आदेश किया गया, आदेश है ना आबकारी का आदेश है। अच्छा, कि प्रिंट रेट में ही दारू बिके। अच्छा, रजिस्ट्री लगाना भी जरूरी है। आबकारी वाले तो क्या मालूम इनसे क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं, ये भगवान जाने। आज तक साहब मैंने 181 पे कम से कम 15 बार 20 बार फोन लगा दिया, अगर यही 181 पे शिवराज सिंह मामा बेटा होता ना 7 दिन में ऑन द स्पॉट पे काम होता मेरा। और ये यादव साहब मामा छोटे मामा बेटे हैं, पर अब इनकी क्या मर्जी है, 181 कैसे लोग बिठा रखे इनने, अब बताओ और कहाँ शिकायत करूं मैं, आप बताओ। और जिस प्रकार से आप कई दिनों से सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं, क्या है वीडियो का, क्या मैटर आप वीडियो बना रहे हैं डाल रहे हैं, क्या है उसके? जैसे मैं दुकान पे दारू लेने जाता हूँ या मेहमान आ जाए या खुद ही पीने के लिए चले जाए 4 दोस्त वगैरह है ना,
तो आबकारी वाले तो ये कह रहे हैं कि दारू पीना बंद करो। मैंने साहब ये 10-10, 20-20, 30-30 रुपए ओवर रेट ले रहे हैं, आप इन्हें समझाओ कि आप दारू क्यों पीते हो, बंद करो। ये सिस्टम है इनका। तो मेरा निवेदन है सभी एसडीएम मैडम से, कलेक्टर साहब से, जिला में जितने भी अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े, कि ये भ्रष्टाचार बंद करवा दें। मैं परेशान हो गया शिकायत कर करके भाई साहब, क्योंकि ये पैसे वाले और मैं दिन भर दाड़ की करता हूँ 300 रुपए, पर मेरी बेइज्जती इनने एक एक दुकान पे नहीं, चार चार दुकान पे करी। आपके साथ कोई अनहोनी होती है, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ बहुत जोर से। तो मेरे साथ आप शिकायत कर रहे हैं? हाँ। तो शिकायत में तो कई दुश्मन आई होगी आपके साथ पे। आए ना भैया, इनके कर्मचारी मेरे पास क्यों कह रहे तेरी औकात से बाहर काम कर रहे, तू ब्याह हो रहा तो मैं तुरंत आया। अब भाई साहब मैं मेरी बेइज्जती के लिए उनने मेरे साथ क्या क्या करा, पर मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तुम टीवी मीडिया चलाओगे। उनने मुझे बुलाया, मैं 4 दिन तक ब्यावरा नहीं आया भाई साहब, मैंने ऐसा नहीं हूँ ठेकेदार कहीं। अच्छा, आपकी जान के साथ खतरा है ना, मेरी जान के साथ। जब आप बताओ मैं शिकायत कर रहा हूँ, ये करोड़पति लोग हैं, अरबपति, ये तो किसी ड्राइवर को 10-5 लाख देके मुझे मरवा देंगे। आज मेरे बीवी बच्चे रोते फिरेंगे, इनकी जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की हो। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, ये तुरंत ही ठेकेदारों के साथ कार्रवाई करी जाए। अच्छा, मात्र एक मांग आपकी कि रेट लिस्ट लगाई जाए और उनके मूल्य कीमत में दी जाए और ग्राहकों को साथ बिल दिया जाए। अच्छा। जो ग्राहक बिल मांग रहे हैं तो उसे बिल दीजिए आप। अच्छा। क्या दिक्कत है? और उसके बाद जैसा मान लो कई गाँव में अवैध, अवैध तो उन्हें बंद करा जाए, हम परेशान है सभी। आप कहो तो मैं 50 गाँव का वीडियो बता दूँ, 50 गाँव के हर मोहल्ले में 10 आदमी का साइन करवा दूँ, प्रूफ दे देता हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ठेकेदार से, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मैं प्रूफ दे देता हूँ आप। सही बात है। प्रूफ देते भी मैं फोन पे वीडियो बना बना के घूम रहा हूँ रोड पे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये अधिकारी कितने पैसे ले रहे हैं, इनसे कितने पैसे दे रहे हैं मुझे पता नहीं, अब मैं क्या कहूँ। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, पहला निवेदन तो मेरा कलेक्टर साहब से है, बाद में आप करी डीओ साहब से, ब्यावरा आप करी इंस्पेक्टर साहब से, कि इन ठेकेदारों के साथ तुरंत ही कार्रवाई करें। कौन कौन जाके की शिकायत करी आपने? मैंने ये दो, तो पहले तो एक जन सुनवाई में दही मैंने ये नहीं, किस किस तहसील की शिकायत की आपने? वो तो पूरे जिला की है। जिला की शिकायत मेरे से राजगढ़ के पास, मेरे पास वीडियो राजगढ़। अच्छा। राजगढ़ दुकान का वो सेल्समैन यू कह रहे हैं कि राजगढ़ का भी है, ब्यावरा तहसील का भी है, नरसिंहगढ़ का भी है। नरसिंहगढ़ का 26 जनवरी के दिन, आप बताओ नरसिंहगढ़ तहसील के गाँव के, नरसिंहगढ़ गाँव के नहीं, लाइसेंस दुकानों के, थोड़ा क्षेत्र में लाइसेंस दुकान है, बोर्ड लगा है, मैंने बोर्ड तक का फोटो खींचा है। उससे कह रहे हूँ भाई साहब क्वार्टर के, भाई साहब 75 में मिलेगा क्या मिला रहा, ऐसे दबाव तो पूरा निकल जाता है 75 में, फिर भी ओवर रेट 26 जनवरी के दिन दारू बेच रहे हैं आप, बंद रहती है ना। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।